फिर आए एक ऐसे कंटेस्टेंट जिनका फॉर्म पढ़ के गैंग लीडर्स हुए शॉक। Last year, I put a gun on the GD moderator and said sorry. तेरे पता है तेरे जेल हो सकती है। Threatened to kill somebody. तेरा मैंने आज by the way form पढ़ा नहीं है। तो इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें already देख ली हैं जो लिखी हुई हैं। I can't read it. जूते उतार, तू इसको बिठाओ आराम से यार, इसके तसल्ली से इसके करो, मैं सुसू करके आता हूँ, तू बैठ। बैठना सर, तसल्ली से बात करेंगे तेरे से। तू बोल्ड अक्षरों में लिख रहा है कि यार मैं एक हूँ, ये मेरी हॉबी है, मेरा इंटरेस्ट है, और तू हमें इम्प्रेस करेगा कि हम तुझे अपनी गैंग में लें, क्योंकि तू एक सर फॉर्म भरते वक्त सर 5 मिनट का समय मिलता है सर, कुछ समझ नहीं आता सर। भाई बहुत लोगों के बहुत फॉर्म्स पड़े और वो बैठ के और फोन में कुछ भी चैटिंग कर रहा। जस्ट शट अप। ओके, क्योंकि अब मैंने आपका ये भी सवाल पढ़ा है दैट हैव यू एवर हिट अ गर्ल, कि आपने क्यों किसी लड़की पर हाथ उठाया। डू यू टेक प्राइड इन दिस? मैम प्राइड की बात ही नहीं है मैम, मैम बात ह्यूमैनिटी पे आती है। अगर आपको कोई हर्ट करेगा तो ऑब्वियसली आप उसका नेक्स्ट आंसर तो देंगे ही, उसने मुझे हर्ट किया था। ओए आवाज नीचे, सॉरी सर। करण तो आपको हर्ट कर रहा है, वो शॉक लग रहा है आपको, आओ ना मारो। चल एक बार तू एक काम कर, ऑडियंस को बता कि तूने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ क्यों मारा। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग रात को पर कॉन्सर्ट था एक मुंबई में, तो वो अटेंड करके हम लोग गए थे। हम लोग पर्सनल मोमेंट अपने शेयर्स कर रहे थे, देन मैंने हालत नहीं दी तो मैंने उसको बोला भी कि बेबी आई एम नॉट फिट राइट नाउ, कि मैं अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाऊँ जो भी है। तो शी स्टार्टेड स्क्रैचिंग मी आउट। इसने मारा भी पता क्यों लड़की को, मुझसे तो कुछ होता नहीं, कह रहा मुझसे हो नहीं रहा, अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई, टमाट लगा दिया उन्होंने। जो मर्द एक औरत पर हाथ उठाए वो नामर्द होता है। मैं स्टार्टिंग से जब से यहाँ पे आया हूँ आपने कॉफी फेंकी है, आई डिजर्व, बिकॉज वो मेरी नॉनसेंस थी एंड आई गिव दैट शिट टू मी। यू डोंट डिजर्व द कॉफी ऑन योर फेस, यू डिजर्व अ लॉट मोर। सर पता है मैं कोलकाता ऑडिशन गया था, मैंने मैम को 5 GD में 5 बार सॉरी बोला, GD नहीं दिया मैंने। ओए थोड़ा सा है ना आराम से बोल ना, मैं उठ गया तो फिर क्या हाल करूंगा देख ले तेरा। सर आई एम सॉरी सर। What is this wildest moment? एक तो moderator के सर पे गन रखना और दूसरा क्या है आपका wildest moment? आप जरा बताएंगे सबको? I just had with that and it's not a crime because they are also a human being. और मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता because it's not. सर सॉरी सर। 50 बार बोल लिया, आराम से बोल। आप लोगों को चुनना है इसको? नहीं मेरे लिए तो सर भगाओ यार इसको, क्यों रणविजय यार चलो निकलो। मैम प्लीज आप कुछ, अरे तो यार मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो खुद ही मना कर रही है, चल अब। भाई भाई निकल ले यार निकल, ठीक है। भाई यार मत करो यार, मेरे बाप देखे। It's all shit, man. Yeah. Oh, Yogesh. मेरे को लगा था मैं बहुत लंबा हूँ। अंबे अंबे। फोटो यार। Okay, चलो। और अभी 20 साल का है ये बढ़ेगा और ये और बढ़ेगा।
लोग जब आपको देखते हैं ऐसा ही रिएक्शन होता है जैसा हमारा था? हाँ। गाड़ी में फिट आ जाते हो? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत? और बाकी? क्योंकि गरीब हैं हम, तो इतनी गाड़ियां तो नहीं देखी। पिताजी क्या करते हैं? खेती। घर में और कौन कौन है? पिता, माँ और मैं। वो क्या चाहते हैं कि आप बड़े होके क्या बने? वो बोलते जो तेरे दिल को आए वो कर। बास्केटबॉल खेलते हो? तुम्हारे लिए तो आसान होगा ना बास्केटबॉल। आप एक मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं? क्यों सर? और आप क्या हैं? अमेरिकन फुटबॉल भी खेलते हैं? अमेरिकन फुटबॉल। कौन रोकता होगा वो लटक लटक के लोग? अच्छा, कुछ अपनी एथलेटिक एबिलिटीज दिखा सकते हैं हमें यहाँ पर? वहीं से कुछ किक्स विक्स दिखाओ। वहां से एक मिनट, जो ऊपर वाली मारी थी वो मारना दोबारा। ये किसको लगती है भाई, ऊपर से निकल जाती होगी लोगों के। तेरा वेट क्या है, किस कैटेगरी में लड़ता है तू? 105 के ऊपर। कहाँ पे लड़ते हो एमएमए? मैं अभी तो पुणे में क्लब है, अभी 2 हफ्ते पहले एक गोल्ड मेडल मारा है। क्या लोकल टूर्नामेंट था या स्टेट चैंपियनशिप थी? क्या था? स्टेट चैंपियनशिप थी। एक लोग तो मैं ही बता सकता हूँ। आप दिखाओगे? हाँ सुशील सर, बताओ ना। हाँ बताओ ना। मैं बताता हूँ तेरे को टेक्निक अच्छी। ये पकड़ा सर। सर सर हो गया। सर 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 ये है ठीक मुंह, बेहोश हो गया। एक दो तीन बुलवाओ। ठीक है, एक दो तीन। ऐसा ठीक है। पानी चाहिए आपको? कुछ नहीं सर। नहीं नहीं उनको पता है। एक दो तीन, बोलो तीन। क्या बात, वैसे ही छोटा सा लगता हूँ मैं, खतरनाक आदमी। सर मुझे आपसे सीखना है बहुत। हुआ क्या था, मतलब ब्लैकआउट हो गया था अभी? हाँ ब्लैकआउट, मैं सेकंड टाइम है, लास्ट मैंने मुझे भी ऐसा हुआ था, ट्रायंगल चौक दिया था मुझे। रिलैक्स है ना आप? कुछ नहीं सर, आई एम फाइन। चल तो जंप कर दो तुम बस। गुड, अरे वाह स्पीड आ गई पहले से। कितने लोग यहाँ पे इंडिया में ये कह सकते हैं कि भैया मैंने एक पैंतरा सुशील कुमार से सीखा है? यू आर वेरी लकी मैन। रोड़ी क्यों बनना है सर? मुझे आपके जैसा बनना है। मेरे जैसा बनना है तो यार अखाड़े में चल, वहाँ अच्छा पहलवान बन, देश के लिए खेल, जब भी तो बनेगा। चलिए सर मैं आऊंगा आपके साथ। तो फिर रोड़ी नहीं बनना आपको? बनना है, रोड़ीज बन के फिर फेम पाना है। कितना वजन है, वजन कितना है? मेरा 112 किलो वजन है अभी। रोप्स कर लेता है? पर इंजॉय है अभी, पर कर्ज करूंगा मैं। दिखा तू, चल बस आजा नीचे आजा। आपको जितनी बातें करनी थी वो कर ली है, अब बस हमारे को डिसाइड करना है। सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। बेस्ट लक। अच्छा अभी अब वो है तुम्हारे गुरु ऑलमोस्ट, तुम उनको मानते हो ऑलरेडी, उनके सामने हम कहां तुमसे लड़ाई करें कि तुम हमारे गैंग में हो। आ जा। बाय, सी यू। बाय सर। आराम से जाना। क्यों सिलेक्ट किया? हम सब करने वाले थे, हमें भी कुछ दो, खुद भी आप इतने ताकतवर, ऊपर से इसको भी ले लिया आपने। क्या है, डिसिप्लिन वाला बंदा है, बात को सुनेगा, मस्त भी है और अच्छा भी है। ज्यादा नहीं करेगा तो पूरे टीम को खुश तो रखेगा, हंसा के रखेगा। हाँ सही है।